गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर रिलेटेड टू क्लास फाइव द न्यू लेसन आफ्टर द लेसन ऑफ टू. इट्स नेम इज़ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स. लेसन थ्री पार्ट वन क्लास. फर्स्टली नो अबाउट द सॉफ्टवेयर. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव टू नो दैट सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटर इज हियर गिवन सम इंट्रोडक्शन अबाउट द द कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कंप्राइज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यानी कि कंप्यूटर एक तरह का मशीन है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है. द कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ द ओन. टू रन द हार्डवेयर एंड कंप्यूटर रिप्लाइज रिक्वायर्स सम इंट्रोडक्शन. सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हैविंग इंस्ट्रक्शंस. यानी कि यहाँ पे दिया हुआ जो है कि कंप्यूटर के पास अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है, बल्कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने के, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे दिया जाता है उसके वर्क उसके आधार पे कंप्यूटर वर्क करते हैं. तो सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करता है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे. फर्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. गिवन सम डायग्राम ऑफ द रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर अबाउट द एप्लीकेशन एंड सिस्टम. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. यानी कि बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है इस तरीके की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर गेम्स हो गए, स्पीड सॉफ्टवेयर हो गए, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस हो गए, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गए, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूटिलिटीज़ आते हैं. हार्डवेयर जैसे कि हार्डवेयर जो हम जानते हैं ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हमें हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हो. आफ्टर दिस द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्रेस प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड परफॉर्मिंग द कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में जो भी परफॉर्मेंस कंप्यूटर के द्वारा होता है वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको कंट्रोल किए जाते हैं. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं. ये तीन तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. पहले फर्स्ट हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं वो बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इन लाइक बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनेबल देम टू वर्क टुगेदर. यानी ये सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है, रनिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. उसके बाद फाइल मैनेजमेंट होते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं और सिक्योरिटी होते हैं. ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कई तरीके के दो तरीके के होते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना कि रनिंग सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑन योर डाटा फाइल्स. इट मैनेज फंक्शन सच एज क्रिएट, डिलीट, इंटर, चेंज एक्सेस ऑफ द फाइल्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ये सभी जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही वर्क होते हैं. उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को मैनेज करने का काम, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पिछले क्लास में जाना था कि मेमोरी मैनेजमेंट ALU, ME और CU के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो ये टोटली जो मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होते हैं. सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर. मिसयूज करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर में हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं, ये भी जो होता है वो सिक्योरिटी बेस्ड होता है. उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम अ प्रॉपर वे. प्रॉपर वे में इसको एनालाइज करने का और मेंटेन करने का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है. अगेन ऑल्सो द डिफाइंड एज अ प्रोग्राम विच परफॉर्म द पार्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू द मैनेजिंग कंप्यूटर फंक्शन रिसोर्सेज. यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर, इन सिंपल लैंग्वेज वी नो अबाउट दैट द वट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेज और मेंटेन the computer system which we any type of default is. After the third is language translator. Language translator जो होता है वो language को translate करने का काम करता है. जैसे कि बहुत सारे language translator होते हैं, compiler, assembler और
ट्रांसलेटर जो होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये सब ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि एज द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज नीड ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो कि तीन तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, मेनली असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर में हमने जाना कि एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और इनके वर्क क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बियॉन्ड द रनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल ए कंप्यूटर टू परफॉर्म यूजफुल टास्क। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। जैसे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीचे दिया हुआ है, कैलकुलेशंस का काम करने का काम, अरेंजिंग डाटा को अरेंज करने का काम, या और भी जो वर्क होते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व द एप्लीकेशन विच इज ए टर्न सर्वर द यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड मैनी मोर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं जो कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसिंग, एम एस वर्ड के नाम से सिंपली हम इसे जानते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी एम एस एक्सेल के नाम से इसे हम जानते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एम एस पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, डाटा बेस सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेस के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप डीटीपी होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग पेज मेकर या फोटोशॉप के रूप में जानते हैं, इंटरनेट सॉफ्टवेयर यानी गूगल इंटरनेट के चलाने के लिए हम लोग इंटरनेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन वगैरह मल्टीमीडिया का वर्क होता है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी कम्युनिकेशन वर्क करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्लास में इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और इसका वर्क क्या होता है। ये सभी जो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं जिसका जनरली कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र जो होता है कंप्यूटर पर यूज़ करता है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग स्टडी के रूप में जब हम लोग क्लास रूम से लैब की ओर जाते हैं, तो ये सारे जो वर्क होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का वर्क हम एम एस वर्ड में करते हैं, एक्सेल या डाटा शीटिंग का काम जो होता है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में करते हैं, कैलकुलेशन का काम हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में करते हैं, प्रेजेंटेशन का काम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का काम पावर पॉइंट में करते हैं, डाटा बेस जो मैनेजमेंट होता है और डाटा बेस मैनेजमेंट DBS या DBMS या फिर एम एस एक्सेस के अंदर इसका इस वर्क को किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इनके इनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके का होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है मेनली बेस्ड होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो होता है वो एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों के माध्यम से ही कंप्यूटर का रन करता है। सॉफ्टवेयर मेनली दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेनली वर्क होता है सिस्टम्स को रन कराना, सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को रिक्रिएट करना, उसके बाद फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर को होता है। और जो भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर के अंदर वर्क हो, जो भी हम वर्क करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारे वर्क हम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो क्लासिफिकेशन है उसके वर्क क्या है। सो टेक द एजुकेशन, थैंक यू।